तेरे बिना दिल जिया नहीं लगदा, जान तड़पदी रहंदी है। क्या आप इंडिया विजिट के लिए जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूंगी यार, वहाँ की ना मैंने बहुत सारी सुना हुआ, जैसे दुबई वगैरह, स्पेशली मैं दुबई देखना चाहूंगी। उनका दुबई इंडिया में नहीं है। कर्नाटका, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन। इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। हमें जाने का मौका मिले या उनको आने का मौका मिले तो फिर तुम देखो कितने जाते लोग, तो कितने जाती साड़ियाँ, सड़कें भरपूर जानगियाँ। फूड बिलोंगिंग भी इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ सुथरा फूड देते हैं, उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। तो वो मैं फूड, वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है। तेरा ओझला नहीं ओझला आ गया बाबे, इंडिया तक चढ़ाई होगी तेरे यार दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद नाजी। अगर आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि पाकिस्तानियों को बॉर्डर के उस पार, यानी कि अगर इंडिया जाने के लिए किसी वीजे या किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ना हो, बस वो अपनी गाड़ी में बैठे और इंडिया में कहीं भी पहुंच जाएं, तो वो कहां जाना चाहेंगे, किस जगह को विजिट करना चाहेंगे, किससे मिलना चाहेंगे और क्या खाना चाहेंगे, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्रा अली। कमल अमानत। हिफ्जा ताहिर। इशा सादिया। अगर एक लम्हे के लिए इमेजिन किया जाए कि जो हमारा बॉर्डर है वो वीज़ा फ्री कर दिया जाए, यहाँ को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप अपनी गाड़ी पकड़ें और कहीं पर भी इजीली जा सकती हैं, तो आप इंडिया की कौन सी जगह पर जाना चाहेंगी, कहाँ विज़िट करना चाहेंगी और किससे मिलना चाहेंगी? मुझे ये मौका मिले डेफिनेटली तो मैं सबसे पहले तो जो एरिया देखना चाहूँगी इंडिया का, दैट इज़ फ्रॉम द साउथ और उसका नाम है कर्नाटका। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन उस प्लेस में जाते हुए। एग्जैक्टली इस वक्त नेट पे देखिए, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विजिट दैट एरिया। और उसके बाद जिसे मैं मिलना चाहूँगी वहाँ पे, दैट इज़ वन ऑफ द माय फेवरेट एक्टर एंड हर नेम इज़ यश फ्रॉम KGF। इंडिया जाकर क्या खाना स्पेशली आप पसंद करेंगे, ऐसा कौन सा फूड है जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे और इन्जॉय करना चाहेंगे? दैट इज़ अ फायर पान। वही तो उससे ज़्यादा है ना, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट कि कैसा फील होता है। That is the thing. पहली बात तो ये ऐसा होता नहीं, अगर हो जाता है इमेजिनेशन है जहाँ मर्जी चले जो इंसान कहाँ पे कहाँ पहुँच जाता है इमेजिनेशन में। तो मैं गाड़ी पकड़ूंगी तो मैं सीधा सबसे पहले जाऊँगी पंजाब, पंजाब में जाके उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना बड़ी मज़े की, वो करूँगी और पूरा पंजाब घूमूंगी, वहाँ के फेवरेट सिंगर से मिलूंगी जो मुझे फेवरेट है, मेरे नाम नहीं मुझे आता लेकिन उनकी आवाज़ की मैं काफ़ी बड़ी फैन। कैसे फेवरेट सिंगर है जिनके आपको नाम नहीं आता? आवाज़ उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं मुझे उनका नाम नहीं आता, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पंजाब से ताल्लुक नहीं रखते मुझे उनका नाम आता है, तो वहाँ के सिंगर से मिलना चाहूँगी। उसके अलावा फूड बिलोंगिंग भी इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ सुथरा फूड देते हैं, उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। तो वो मैं फूड, वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है वो खाऊंगी, और चीज़ को बड़ा वो आगे करते हैं तो मैं चीज़ वाली चीज़ें खाऊँगी, और साड़ी बनारसी साड़ी वहाँ की पहनूंगी और सारे शौक पूरे करके एंड पे कपिल शर्मा के शो से होते ही आऊँगी। ज़बरदस्त, पूरा प्लान रेडी है, बस हमें एक चांस चाहिए इंडिया जाने की। चाहिए हाँ, और एक बड़ी मजे की बात, वो जो उधर वहाँ का पॉलिटिशियन है, क्या उसका नाम है, मुझे नाम नरेंद्र मोदी, यस उससे ज़रूर मिलूंगी मैं। क्या वजह है? पाकिस्तान के बारे में कहूँगी कि भाई ऐसा क्यों सोचते हो आप, पाकिस्तान के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए, वो तो मेरी सारी पर्सनल चीज़ें ना, साड़ी खाना घूमना फिरना, तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ करके आऊँगी ना। यानी कि आप नरेंद्र मोदी से मिलकर पाकिस्तान के बारे में उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी ऑन करंट टॉपिक, अब ये ना पूछिएगा क्या पूछना है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो वीज़ा फ्री हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन की हमें ज़रूरत ना पड़े, आपके पास एक गाड़ी हो, आप गाड़ी निकालें और जहाँ आपका दिल करे आप चली जाएँ, तो आप इंडिया की किस जगह पर जाना चाहेंगी, किससे मिलना चाहेंगी और क्या खाना चाहेंगी? अरे वाह, अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं कहूँगी कि ज़मीन के ऊपर हमारे लिए इससे बेहतर चीज़ कोई हो नहीं सकती कि बग़ैर वीज़ा के आप किसी और कंट्री के अंदर चले जाएँ। ये वैसे इमेजिनरी वर्ल्ड है, मैं कहूँगी सना के ऐसा होगा, बट अगर ऐसा हो जाए, चले ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो इंडिया में मैं दिल्ली जाना चाहूँगी, और खाने की बात है तो वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ है, मैं उनके डोसे खाना चाहूँगी, ख़ास तौर पे उनकी चपाती खाना चाहूँगी, उनकी भाजी खाना चाहूँगी, क्योंकि उनके मसाले हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं,
और इसके अलावा वहाँ पर मिलने का अगर मौका मिले तो मिलने के लिए बहुत से लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन ये है कि अगर मैं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी देखूँ तो मैं वहाँ जाके प्रीति जिंटा से तो ज़रूर मिलना चाहूँगी, मुझे वो बचपन से बहुत पसंद है। मैं फगवाड़ा जाना चाहूँगा इंडिया से, क्योंकि उत्थे खान साहब रहते हैं मैंने, जो कि बहुत पसंद है, उन्हों की सिंगिंग बहुत सोहनी है, मैं उन्होंने को जाना चाहूँगा। खाना की चाहोगे? खाना उन्होंने एक मैंने हूँ ना नहीं आता, चेता भुल गया मैनू, उन्होंने बहुत कुलचे कुलचे है कुछ ऐसा करके ना है, बहुत बढ़िया बहुत स्वाद है, तुसी सर्च करो इंटरनेट पे वो खाना। नाम से ही बताएंगे तो सर्च करेंगे ना? कुलचे, छोले कुलचे, छोले कुलचे। ठीक है, छोले कुलचे तो लाहौर में भी मिल जाते, उसके लिए इंडिया जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने ना है लेकिन वो चीज कुछ और है, और नान छिंडे नहीं होंगे कुछ और होंगे उन्होंने ना है। अच्छा। बड़ा पाव कर लो, वो भी बढ़िया, वो भी खावांगे इंशाल्लाह, ट्राई करांगे। इंडिया की फिल्मा वेखदे हो? हाँ जी बहुत सारिया देखी है, किस्मत देखी है, मूवी बहुत सोहनी है, मैं पसंद है। मैं कोई अपना फेवरेट डायलॉग या गाना सुना दियो। मेरा फेवरेट डायलॉग ये है, तेरा ओझला नहीं ओझला आ गया बाबे, इंडिया तक चढ़ाई होगी तेरे यार दी। मुंबई और दिल्ली घूमना चाहूंगी, बड़ा पाव खाना चाहूंगी, मुझे नहीं बताओ क्या है। बड़ा पाव मेरा ख्याल है वो एक बंद होता है, उसके अंदर आलू की टिक्की लगी होती है, डिफरेंट सॉस होते हैं। अच्छा, बड़ा पाव मतलब मींस यहाँ पर अगर हम उस सेंस से देखते हैं तो कहते हैं बड़ा भाई, जैसे बड़ा भाई इससे रिलेटेड है। इंडिया में कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ पर आप लाजमी जाना चाहती हैं और आपकी ख्वाहिश है वहाँ जाने की, पंजाब के अलावा? मुंबई जाना चाहती हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है जिसमें जो है कहा जाता है कि मुंबई जो है पहले से डेवलप थी और लोग अपनी लाइफ को बनाने के लिए गांव से उठ के मुंबई और दिल्ली जाते थे, तो इसलिए मैं जाना चाहूँगी। सही, कोई इंडियन मूवीज़ का डायलॉग या कोई गाना जो आप हमें सुनाना चाहें? अखियाँ तो ले टोटा दिल दा, दिल नु सुकून यो मिलदा, दोने हाथ जोड़ा गे रब दे, कर कोई हल मुश्किल दा, तू वख सजना मैं वख सजना, किन्ने दुख जिंदड़ी सहंदी है, तेरे बिना दिल जिया नहीं लगदा, जान तड़पदी रहंदी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो वीज़ा फ्री हो जाएं और इजीली यहाँ की अवाम वहाँ और वहाँ की अवाम यहाँ आ सके? पहली बात तो हमें जो करनी चाहिए दैट इज़ अ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ट्रस्ट होता है वो एक बेसिक चीज़ होती है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वीज़ा फ्री हो जाएं दोनों साइड से हम लोग, तो इसके लिए हमें एक ट्रस्ट को बिल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी इंडियन को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है लड़पड़े इससे, सो दैट इज़ द थिंग, हमें लड़ना नहीं है, हमें मोहब्बत दिखानी है उसके साथ, हमें पेशेंस शो करने हैं, एक दूसरे के साथ इंडल्ज होने की कोशिश करनी है, क्लोज होने की कोशिश करनी है, तभी ये चीज़ मुमकिन हो सकती है, अदरवाइज नेवर इन अ मिलेनियम। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया के पाकिस्तानियों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, क्या कहेंगे, ये सोच कैसे बदली जा सकती है? सोच बदलने के लिए पहले तो हम अपने आप को देखेंगे, बिकॉज ठीक है एज अ सिंगल इंडिविजुअल अगर हम खुद को देखेंगे तो हमसे ये सोच स्टार्ट होगी, और ये सोच डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट शो करेगी, लाइक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो सोच बदलेंगे तो आवाम की सोच बदलेगी, जब तक उनकी नहीं बदलेगी तो हम कैसे बदल सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। जी मैं नहीं लगता, क्योंकि मेरी गलबात होती रहती है, मैं थोड़ा दसना चाहना, मैं एक टिकटॉकर हाँ, तो मेरी गलबात होती रहती है सरदारा ना, बहुत चंगे भरा ने, बहुत नरम सुभाव उन्हों का, आपस में बड़ा प्यार है साडा, मतलब कमेंट भी करते हैं मैनू, तो मैनू बहुत पसंद है, इदा का कोई चक्कर नहीं है, गलत मिसगाइड किया किसी तुम्हें। मतलब लोग सही कहते हैं कि जो भी मसाइल है वो सियासतदानों के बीच में, आवाम एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करती है। बहुत प्यार है जी, मैं हूँ टिकटॉक से वीडियो पोस्ट करना तो मैनू बहुत सारा प्यार विखाते हैं मेरे भरा सारे, तो उन्हों का प्यार सारे दिखाई देता, कि यकीन करो इन्ना सोहना कमेंट करते हैं कि रूह राजी हो जाता बंदे का, तो बहुत प्यार है उन्होंने साढ़े लिए, सच्ची है किसी ने मिसगाइड करना तो वधिया बंदे ने। देखिए सोच को बदलना इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये जो जंग है ना ये तकरीबन 75 साल से चलती हुई है, उससे भी पहले से 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है हमारी और इंडिया की जंग चली है, जब बड़े सगीर था एक थे हम लोग, तब से ही चलती आ रही है और मुझे लगता है कि ये ता कयामत तक चलती रहेगी, क्योंकि हम एक दूसरे के हमसाया मुल्क हैं, कभी भी हम लोग एक होने वालों में से नहीं हैं, तो थोड़े से हम चीज़ को कम कर सकते हैं, जैसे कि हमारी यंग जनरेशन है उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए, अगर कंपटीशन करना ही है तो अच्छी चीज़ों में करो, बुरी चीज़ों में मत करो, ठीक है, खेल होता है उसको खेल की हद तक लो, और ये ना सोचो कि जी उसने ये ऐसा खेल लिया तो वो मेरा दुश्मन है, नहीं, वो भी एक मुल्क है, उसी जो उस मुल्क के बशिंदे हैं उनको अपने मुल्क से प्यार है, हम इस मुल्क के बशिंदे हमें अपने मुल्क से प्यार है, दोनों को हम अपने अपने मुल्क से प्यार है, तो अगर अपने 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 मुल्क को सेव करना है सिर्फ अपने मुल्क के लिए, खुद को जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, एनर्जी मिल जाएगी खुद। दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ से के लोगों से और यहाँ के लोग वहाँ के लोगों के बारे में बहुत
गलत सोच रखते हैं, बहुत मनफी सोच रखते हैं, इस सोच को कैसे बदल कर दोनों मुल्कों में मोहब्बत पैदा की जा सके? देखें, लोग अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, और बात की जाए मुनाफ़त की, तो मुनाफ़त में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में जो चीज़ इंजेक्ट की जाती है हमारे दिमाग में, हम उसी चीज़ को मान लेते हैं, हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। लेकिन बाज़ औक़ात इंडियन इंटरव्यूज़ हम लोग देखते हैं, और वहाँ के प्लेयर्स की जब गुफ्तगू सुनते हैं, ख़ासतौर पर जब मैचेस वगैरह होते हैं, तो वो एक जज्बा हुब्बुल वतनी रखते हैं और वो एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं पाकिस्तानियों के लिए। अक्सर वो विज़िट भी करने आते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इंडियन लेडी एक आई थी और पाकिस्तानियों ने कितना उनको प्यार दिया, कितना अप्रिशिएट किया, तो उन्होंने ज़ाहिर है जाके वहाँ बताया होगा कि जैसे तुम लोग पाकिस्तानियों के बारे में सोचते हो, पाकिस्तानी वैसे नहीं हैं, और हमारे यहाँ पर भी थोड़ी सी सोच बदली कि हाँ, जैसे हम इंडियंस के बारे में सोचते हैं, इंडियंस भी वैसे नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ना पॉलिटिक्स की जंग रह गई है दो मुल्कों के दरमियान, लेकिन अगर दिल से कहा जाए, देखा जाए, तो भाई हम इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। हमें जाने का मौका मिले या उनको आने का मौका मिले, तो फिर तुसी देखो कितने जाते लोग, तो कितने जाती साड़ियाँ सड़कें भरपूर जान गियाँ। नफरतों को मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो हमें उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो उतना ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव प्लस पॉइंट मिलते जाए। ये हमारी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया तो एक दूसरे को लेट डाउन करके आगे आना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कंपटीशन पॉजिटिविटी का होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ें। क्या मैसेज देना चाहोगी उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि दैट योर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली द साउथ पार्ट, एंड योर साउथ मूवीज़ आर ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज दे आर बेस्ड टोटली ऑन अ फैमिली, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ योर मूवीज इंडस्ट्री। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट के प्लीज़ बी हम्बल, बी काइंड, एज हम पाकिस्तानी आपको बहुत हम्बल एंड काइंड दिखते हैं। हम लड़ने झगड़ने वालों से बिल्कुल नहीं है, हम प्यार स्प्रेड करने वालों में से हैं, तो सो आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा हम आप लोगों के साथ करते हैं। मैं पाकिस्तानियों यही कहना चाहूँगा यार, जेडे भी इंडिया के भरा ने ना, बहुत चंगे भरा ने, अगर तुम प्यार पाना चाहते हो तो पाओ, कुछ भी नफरत ना फैलाओ, बहुत चंगे भरा ने, सच्ची लव यू उन्होंने दिलों। कुछ सुना दो गाना। गाना तो थोड़ा मैं गाना सुना देना, केड़ा गाना सुनना चाहोगे तुम? जिहड़ा फेवरेट हो। मेरा फेवरेट किस्मत का गाना, किस्मत टू मूवी का, नहीं किस्मत का मूवी का गाना मैं सुनना। एक गल ते दस मैनू जो जहन च है मेरे, ओने मत्था चुमया पहला या हथ चुमे तेरे, ओ तेरे बुलांदी तारीफ पक्का कीती होनी है, तेरे जिस्म ते निशानी कोई दिती होनी है, हाय कुछ ता होया है दोना दे दस दे छेरे। पैगाम यही देना चाहूँगी कि वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप काफ़ी सारी अचीवमेंट्स कर रहे हो, और ऐसे ही इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते हैं, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए, जो बुरा सोचते हैं वो फिर आप सोचते रहो, इंशाल्लाह हमारा भी तो एक ना एक दिन नाम होना है, तो फिर आपको बताएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी, हमें देखते रहें और पसंद करते रहें। भाई हम इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे आप लोगों के सामने पेश होते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, हमारी कंट्री को देखें, हमारे लोगों से मिलें। हम खुशकिस्मत साबित होंगे आप लोगों के लिए, और खुशकिस्मती है कि आप लोग यहाँ पे आएंगे हमारे दरमियान, क्योंकि आप हमारे हमसाया ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी आपके हमसाया दोस्त हैं, तो आएँ, मेल मिलाप का सिलसिला जारी रहना चाहिए। जब एशिया के लोग यहाँ आ सकते हैं, चाइना से आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? आप लोगों को भी हम वैसे ही वेलकम करेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।